सत श्री अकाल तुसी वेख रहे हो फ्रेंड्स टीवी कैनेडा मैं कमलप्रीत सिंह राहुल दा संसद कंपलैक्स विच धरना बोले बीजेपी सरकार डरपोक राज्यसभा तो विरोधी धिर के 12 संसद मैंबरां दी मौतली तो बाद पैदा होया गतिरोध रुकन दा नां ही नहीं लै रहा है। सत्ताधारी धिर ते विरोधी धिर आपो अपने स्टैंड ते कायम हन। विरोधी धिर अपने अश्लील विहार दे लई माफ़ी मंगण लई तैयार नहीं है, जबकि सत्ताधारी धिर कह रही है कि जदों तक माफ़ी नहीं दी जाती उदों तक मौतली वापस नहीं ली जाएगी। विरोधी धिर दे संसद मैंबर संसद दे बाहर अते अंदर एकजुट हो के नीलांबर दा विरोध कर रहे हैं। लोक सभा विच केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 6 महीनों विच साडी कोशिश रही है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी उड़ाना नूं हौली हौली वधाया जाए। ओमिक्रोन दुनिया लई एक झटका है अते सारे देशों नूं सुरक्षित रहने की लोड़ है। साडी सरकार ने 11 देशों नूं खतरे वाले देशों वजों श्रेणीबद्ध किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यसभा के 12 संसद मैंबरों नूं पूरे सैशन लई मुअत्तल किए जाने के विरोध में संसद कंपलैक्स में वीरवार को लगातार तीजे दिन भी धरना प्रदर्शन किया कि मोदी सरकार डरपोक है, इसलिए वो किसी के नाल न्याय नहीं कर सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार संसद में विरोधी धिर के सवालों से डरती है, इसलिए वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करवाने से दौड़ती है। उन्होंने कहना है कि खेती कानून रद्द करने के प्रस्ताव से सरकार ने चर्चा तो बचने लई संसद नहीं चलन देने राज्यसभा च विरोधी धिर के 12 संसद मैंबरों को मुअत्तल कर दिया है। राहुल ने सरकार से संसद में चर्चा करने तो बचने का दोष लगाते हुए ट्वीट किया कि सवालों तो डर, सच तो डर, साहस तो डर, जो सरकार डरे वो अन्याय ही करे। संसद कंपलैक्स में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने बैठ के राहुल की अगवाई च धरना दे रहे होर संसद मैंबरों च लोक सभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, के सुरेश समेत कई संसद मैंबर भी मौजूद सन। ये सारे संसद मैंबर हत्थां विच तख्तियां लैके सरकार विरोधी नारे लगा रहे सन। वधेरे खबरों की जानकारी लई तुसीं बने रहो फ्रेंड्स टीवी कैनेडा दे नाल।